बकाया राशि की मांग को लेकर सीएससी संचालकों ने किया अधिकारी का पुतला दहन। गुरुवार को चांदनी चौक पर सीएससी संचालक संघ के द्वारा प्रदर्शन किया गया। उनका यह प्रदर्शन उनके द्वारा चुनाव कार्यों में लिए गए बकाया राशि को लेकर थी। अपनी मांगों को लेकर विदित हो कि पंचायत चुनाव के समय ऑपरेटरों के द्वारा चुनाव में सेवा लिया गया था, जिसके एवज में उन्हें भुगतान देने की बात कही गई थी। लेकिन सीएससी ऑपरेटर के अनुसार पंचायत चुनाव 4 माह बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें में भुगतान नहीं मिला है। कई सीएससी ऑपरेटरों का कहना है कि उन्होंने बकायदा आदमी हायर कर चुनाव के दौरान कार्य करवाया था, पेमेंट नहीं मिलने की वजह से जिन लोगों ने काम किया वह पैसे मांग रहे हैं। उसके डर से हम लोगों को काफी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वकर लोग अब पैसे की मांग को लेकर धमकी तक देने लगे हैं। हमारी मांग है कि हमें शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। मौके पर अविनाश कुमार गुप्ता, सरवर आलम, नितेश कुमार, सत्या कुमार, बंटी कुमार, बबलू कुमार पंजियार, पिंकू मंडल, रितेश कुमार, रोहित रंजन, बबलू कुमार शर्मा, पप्पू कुमार चौधरी, साउद अली, फरदीन आलम, हर्ष कुमार, आदित्य गुप्ता, अभिषेक गुप्ता आदि मौजूद थे। हम लोगों से काम करवाया इलेक्शन में हर बूथ पे बायोमेट्रिक प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। लेकिन बोला गया था हम लोगों को कि एक हफ्ते के अंदर में हर बूथ पे जितना ये काम होगा हर ब्लॉक के हिसाब से हर हफ्ते पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन बीता 4 महीना हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी तक 720 रुपये के दर से हम लोगों को देना था, वो भी आज तक नहीं दिया। सरकारी कर्मचारी को 3 से 4 हज़ार रुपये मिलता है हर बूथ पे, लेकिन हम लोगों को 720 रुपये दिया गया, वो भी अभी तक मिला नहीं। 4 महीना हो गया है। ऑपरेटर सब जो हम लोग ऑपरेटर हुए, ठीक ना, सीएससी ढेली के पास जाते हैं, वो लोग बोलता है कि हम लोग कहाँ से पेमेंट देंगे, पेमेंट आएगा तब देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कितना बूथ है अररिया में वो भी समझ लीजिए। हर बूथ पे काम हुआ, एक एक बूथ पे बायोमेट्रिक के द्वारा काम हुआ है। कोई 1000-2000 का तो पेमेंट नहीं करवा रहा है ना, कि हम लोग थोड़ा सा सह लेंगे। इसको लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बीते 4 महीने से सिर्फ अगला हफ्ता 10-15 दिन का समय बस दिया जा रहा है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश हुआ। किस पद पे है? क्या सर, किस पद पे है? जी हम ऑपरेटर हुए, बूथ पे काम किए थे, लगभग 4 ब्लॉक में बूथ पे काम किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट का पंचायत चुनाव हुआ था, ठीक ना, तो उसमें सीएससी को बायोमेट्रिक वाला काम दिया गया था। तो बायोमेट्रिक में हम लोग सुपरवाइजर हुए, ऑपरेटर को भेजे थे, हर एक पंचायत में ऑपरेटर को भेजे थे। सीएससी हम लोग को बोला था कि 15 दिन में आप लोग का पेमेंट रिलीज कर देंगे, लेकिन अब 15 दिन से 4 महीना हो गया, लेकिन सीएससी सिर्फ डेट पे डेट दे रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा। तो इसीलिए अब हम लोग धरना प्रदर्शन उतर गए कि पेमेंट मिल नहीं रहा हम लोग को। इसको लेकर सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमको पेमेंट जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि हम ऑपरेटर को दे दें और हम अपना दुकान वकान चलाएँगे कि नहीं। बस ऑपरेटर आता है जिसके कारण हमें दुकान बंद करना पड़ रहा है। यदि आप लोगों का मांग नहीं होता है पूरा, तो आप लोग आगे क्या रणनीति होगी? तो फिर सर हम लोग केस करेंगे सीएससी पे और धरना जारी रखेंगे। क्या नाम हुआ? नाम नितेश भगत। देखिए, पहले हम लोगों को पंचायत चुनाव जो हुआ था पिछले महीने में उसे काम करवाया गया था, तो 15 दिन के कहकर करके काम करवाया था इलेक्शन कमीशन दिया सीएससी को। सीएससी हम लोगों से 15 दिन से कहकर काम कराया और 4 महीना से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा। आजकल करके ऐसे टाल रहा है, आज टाइम देता है फिर अगला महीना टाइम देता है, जिससे हमको पेमेंट नहीं मिल रहा। उसी उद्देश्य से लेकर के मेरे ऊपर ऑपरेटर का पूरे दबाव है, हम लोग घर में नहीं रहते हैं ऑपरेटर के दबाव की वजह से, और मेरा पेमेंट हम लोग का पेमेंट लीक नहीं करता, इसलिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन जारी किए। क्या नाम हुआ? बबलू कुमार पंजियार।